तो रूस से लड़ने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन को तमाम नए और विध्वंसक हथियार दे रहे हैं, लेकिन इन हथियारों के बीच चर्चा एक 112 साल पुराने हथियार की भी है। यह हथियार रूस में बना, इसे रूस की आर्मी ने 2 विश्व युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज यूक्रेन की आर्मी इन हथियारों से रूस की फौज पर कहर बरपा रही है। आसमान से बम गिराए जा रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग में बेहिसाब बारूद बरस रहा है। आसमान से बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं और आमने सामने की जंग में गोलियां बरस रही हैं। जंग में एक से बढ़कर एक विध्वंसक और आधुनिक हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन का करीब 100 साल पुराना एक हथियार चर्चा में है। इस हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन की पैदल सेना कर रही है। यह हथियार सोवियत काल में दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए बना था, लेकिन आज इसी हथियार की बदौलत यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को निशाना बना रही है। इस हथियार का नाम है मैक्सिम M191। यह हथियार करीब 112 साल पुराना है। 20वीं सदी में रूसी शासक जार के इस मशीन गन का इस्तेमाल रूस की सेना करती थी। ये अपने जमाने की पहली ऑटोमेटिक मशीन गन है। 1910 में जार की सेना में इसे शामिल किया गया था। इस मशीन गन को अमेरिकी ब्रिटिश इन्वेंटर हीराम मैक्सिम ने बनाया था, तभी से ये मशीन गन रूस की फौज में शामिल रही। यूक्रेन की सेना के पास फिलहाल 35,000 मैक्सिम M191 मशीन गन है। इस मशीन गन की सबसे बड़ी खासियत इसका सटीक निशाना है। ये 1 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को निशाना बना सकती है। 68 किलो वजन वाली इस मशीन गन में 2 पहिए लगे होते हैं। इसे किसी भी गाड़ी में बांधकर आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है। रूसी फौज के मशीन गन PKM से 5 गुना भारी होने के बाद भी M191 का बैरल खराब नहीं होता, क्योंकि बैरल को खास तौर से डिजाइन किया गया है। इसमें पानी बहता रहता है जो इसे ठंडा रखता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है, जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन ना सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।